हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है गुरलीन और आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में ठीक है सो लेट्स व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डेफिनेशन कहती है दैट प्रोबेबिलिटी इज़ द एक्सटेंड टू विच समथिंग इज़ लाइकली टू हैपन और द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब कि किसी भी इवेंट के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है या किस हद तक चांसेस हैं कि वो होगा ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका टेस्ट था आप टेस्ट दे के बाहर आए एंड यू आस्ट योर फ्रेंड कि विल यू पास वो बोलता है चांस ही नहीं है यार मतलब दैट ही इज़ डेफिनेटली श्योर दैट ही विल नॉट पास सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग इज़ जीरो मतलब जो चीज़ नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ज़ीरो फिर आपका एक और फ्रेंड बाहर आया आपने उससे पूछा कि तू पास हो जाएगा ही सेज आई डेफिनेटली टॉप मतलब उसके पास होने के चांसेस तो पूरे पूरे हैं मीन्स हिज प्रॉबिबिलिटी ऑफ पासिंग इज़ फुल तो लुक प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन जीरो एंड वन अगर वो इवेंट होना इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ज़ीरो अगर वो इवेंट डेफिनेटली होगा दैट इट विल डेफिनेटली हैपन तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी नॉट टॉकिंग अबाउट यू आप थोड़े कन्फ्यूज हो कि आप पास हो गए या नहीं हो गए तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड वन ठीक है ना आप डेफिनेटली फेल हो रहे हो ना आप डेफिनेटली पास हो रहे हो सो दिस इज़ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग Okay, when probability is 0, matlab 0 chances of happening of the event. When the probability is 1, it will definitely happen. And between 0 and 1, it may or may not happen. Right? So let's see some questions based on this. Here the question says: classify the following events as certain to happen, matlab definitely honge. impossible to happen, matlab ke chances hai, and may or may not happen. Okay? द फर्स्ट इज़ गेटिंग अ नंबर लेस देन वन ऑन अ डाई ना वॉट इज अ डाई आप लूडो खेलते हो वो जो दिंग वी स्क्रोल दैट इज़ कॉल्ड अ डाई और द डाईज उस पर नंबर्स होते हैं वन से सिक्स तक तो ये हमें पूछ रहे हैं कि गेटिंग अ नंबर लेस देन वन जब नंबर स्टार्ट ही वन से होते हैं तो वो लेस देन वन नहीं हो सकता देट इज़ गेटिंग अ नंबर लेस देन वन इज़ नॉट पॉसिबल सो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट ठीक है और दे प्रॉबिबिलिटी इज़ ज़ीरो ये जो जीरो है मतलब प्रॉबिबिलिटी इज जीरो इम्पॉसिबल इवेंट द नेक्स्ट इज क्रिसमस ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर वी नो की वर्ल्ड वाइड जो क्रिसमस है ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को मनाई जाती है सो देर इज नो अदर डेट दैट इट कैन बी सेलिब्रेटेड राइट तो डेफिनेटली ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को आएगी क्रिसमस सो दिस इज अ सर्टेन इवेंट मतलब डेफिनेटली हैपन होगा सो so इसकी प्रॉबिबिलिटी क्या है प्रॉबिलिटी वन होगी बिकॉज इट्स अ सर्टेन इवेंट दैट मीन्स ये होगा ही होगा ओके द नेक्स्ट इज अ टीम विनिंग द मैच नाउ अ टीम मे और मे नॉट विन अ मैच राइट हम कुछ किसी भी प्रॉ जब सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है मतलब किसी और चीज़ को हम नहीं देख रहे हैं कि कोई बायस नहीं हुआ है उस सेंस में तो मतलब एक टीम मैच जीत सकती है या नहीं जीत सकती सो दिस मे और मे नॉट हैपन और जब मे और मे नॉट होता है कुछ भी इवेंट तो उसकी जो प्रॉबिबिलिटी है वो जीरो और वन के बीच में लाया करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उसकी प्रॉबिबिलिटी जीरो से ज़्यादा है वन से कम है ठीक है द नेक्स्ट इज अ बॉल थ्रोन अप विल फॉल डाउन आफ्टर सम टाइम अब जैसे बॉल है आपने उसे हवा में टॉस किया इट विल कम डाउन राइट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी सो दिस विल ऑलवेज हैपन ऐसा तो नहीं होगा कि आप बॉल फेंकोगे और वो हवा में रुक जाएगी दैट्स नॉट पॉसिबल सो इसकी प्रॉबीबिलिटी होगी वन और इट इज़ अ सर्टन इवेंट राइट right? ये थे हमारे कुछ केसेस अब आगे चलते हैं प्रॉबिलिटी के बारे में कुछ और पढ़ते हैं प्रॉबिबिलिटी अब कई केसेस में हम हमेशा इस तरह नहीं बताएंगे कि वो इवेंट पॉसिबल है इम्पॉसिबल है या हो सकता है नहीं हो सकता तो जब प्रॉबीबिलिटी किसी इवेंट की निकालनी हो अदर देन दीज तो वी अप्लाई अ फॉर्मूला दैट इज़ प्रॉबिबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन द टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमें चाहिए और टोटल आउटकम्स जितनी आ सकती हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉस अ कॉइन ठीक है तो या तो हेज जाएगा या टेल्स जाएगा राइट अगर मैं आपसे पूछूँ कि हेज जाने की प्रॉबीबिलिटी कितनी है तो फेवरेबल आउटकम मतलब हेड्स कितना है वन और टोटल आउटकम्स कितनी है या हेज जा सकते हैं या टेल्स जा सकते हैं तो टोटल आउटकम इज़ टू तो प्रोबेबिलिटी होगी वन बाई टू दैट इज़ प्रोबेबिलिटी इज़ हाफ़ या फिर फिफ्टी फिफ्टी चांसेस है ठीक है तो मेरे लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आप लूडो खेल रहे हो ठीक है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर फोर ठीक है सो लुक द टोटल नंबर्स कितने होते हैं एक डाई पे वन टू सिक्स होते हैं तो हमारी टोटल आउटकम्स मतलब कितना आ सकते हैं मतलब टोटल इज सिक्स राइट द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मैंने आपसे पूछा कि फोर की प्रॉबिलिटी कितनी है ठीक है तो फोर एक सिंगल नंबर है तो फोर के आने की प्रॉबीबिलिटी वन है क्योंकि सबके आने के चांसेस इक्वल है चाहे वन आए चाहे टू आए चाहे थ्री आए फोर फाइव या सिक्स द चांसेज आर इक्वल सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज़ वन दैट इज़ फोर ओके एंड टोटल आउटकम्स इज़ सिक्स तो प्रॉबिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फोर इज़ वन बाय सिक्स राइट इसी तरह फाइव की प्रॉबिबिलिटी इज ऑल्सो वन बाई सिक्स क्योंकि वो भी एक सिंगल नंबर है जो हमें सिक्स में से निकालना है सो चांसेज इज़ वन बाय सिक्स सो सिमिलरली हर नंबर के आने के चांसेज वन बाय सिक्स ही होंगे राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व सम क्वेश्चन तो क्वेश्चन सिक्स इज देर आर सिक्स मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्राम वन टू सिक्स मार्ग ऑन ईच ऑफ दैम मतलब एक बॉक्स है उसके अंदर सिक्स मार्बल्स या पेबल्स स्मॉल स्टोन्स हैं और उन पर नंबर्स लिखे हुए हैं वन से सिक्स तक ठीक है वॉट इज़ द प्रोबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद द नंबर टू हमें नंबर टू चाहिए हमें नंबर टू पिक करना है नंबर टू इज़ वन ऑफ द नंबर्स तो इसकी प्रॉबिबिलिटी होएगी वन बाई सिक्स सिक्स क्यों टोटल आउटकम्स जितनी आ सकती थी या टोटल कितना है सिक्स मार्बल्स हैं और हमें कितना चाहिए सिंगल नंबर चाहिए जो है टू तो प्रोबेबिलिटी होएगी वन बाई सिक्स राइट वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर फाइव सिमिलरली फाइव के लिए भी दैट इज़ अ सिंगल नंबर तो ये होएगी वन डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम दैट इज सिक्स तो वन बाय सिक्स इसी तरह हर नंबर की फ्रॉम वन टू सिक्स जो प्रोबेबिलिटी है इस केस में वन बाई सिक्स ही होगी क्योंकि वो एक सिंगल नंबर है और टोटल हमारे पास कितने हैं सिक्स राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड द क्वेश्चन सेज, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट्स द गेम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट अ गेम सो यूर गोइंग टू प्ले अ मैच एक आपकी टीम है एक राइवल टीम है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कॉइन पहले गेम स्टार्ट करेगा राइट तो यू टॉच द कॉइन अब या हेज्ज आएगा या टेल आएगा अब आपने कुछ भी लिया हो चाहे हेड्स या टेल्स उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सपोजिटली यू चूज हेड्स ओके okay? तो हेड्स के आने की प्रॉबीबिलिटी इज़ वन बाई टू वी जस्ट लर्न इट क्योंकि टोटल आउटकम्स टू हैं हेड्स और टेल्स और हमें पूछा है हेड्स के लिए तो वन बाई टू तो हेड्स के आने की वन बाई टू है सिमिलरली अगर आप टेल्स चूज करते और टेल्स आ जाता तो उसकी प्रॉबिलिटी भी वन बाई टू है राइट सो योर चांसेस ऑफ स्टार्टिंग द गेम इन बोथ केसेज इज़ हाफ़ चाहे आप हेड्स चूज करो चाहे आप टेल्स चूज करो तो प्रोबिलिटी ऑफ यू विनिंग इज़ हाफ ओके दीज आर सम सिंपल क्वेश्चन आप द यू कैन बिकअम एग्जाम्पल्स फ्राम योर एवरी डे लाइफ ऑल्सो चलो आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेटर्स रिटर्न ऑन अ पेपर स्लिप ऑफ द वर्ड मैथ्स आर पुट इन अ बॉक्स ये कह रहे हैं जो मैथ्स है इसमें डिफरेंट लेटर्स है एम ए टी एच एस तो ये सारा हर स्लिप पे एक पे एम लिख के एक पे ए लिख के एक पे टी एक पे एस लिख के हमने स्लिप्स को फोल्ड करके रख दिया ठीक है अ स्लिप इज ड्रॉन एट रैंडम हमने एक स्लिप उठाई उन च उन सारी स्लिप्स में से तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्लिप ड्रॉन विल बी ऑफ द लेटर एच ऑन इट मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है जो आप स्लिप चूज करोगे उस पर लेटर एच लिखा होगा हमें चाहिए लेटर एच दैट इज अ सिंगल लेटर फेवरेबल आउटकम हमारी वन है ठीक है डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स मतलब कितने लेटर्स हैं मैथ्स में दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव वन बाय फाइव सो so, प्रॉबिलिटी इस केस में हो जाएगी वन बाय फाइव सिमिलरली कोई और लेटर होता ए होता या टी होता वो भी सिंगल लेटर हमें उठाना है और टोटल कितने में से उठाना है आउट ऑफ फाइव तो सबकी प्रोबेबिलिटी वन बाय फाइव ही होगी राइट right? तो इसी के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट भी खत्म होता है अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग